राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। कल आपको दिखाया था कि बॉल्स लिए थे और बहुत ही प्रीटी हैं। हर्षित को बड़ा मन था कि है ना आज उसको हलवा खाना है, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि मेरे थोड़ा है ना पेट में ऐसे ठीक नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं है ना घी वगैरह की चीज़ ना खाऊं, तो मैंने थोड़ा सा हलवा बना लिया था और उसी बाउल के अंदर ना मैंने उसको सर्व किया था। वैसे कुछ भी नई चीज़ आती है तो हमें ना कृषि को भोग लगाते हैं, बट ना ये कांच के थे और कांच के में कहते हैं कि भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही प्लास्टिक के बर्तनों में, तो इसलिए मैंने ना कांच के बाउल्स में ना यूज़ कर लिया भगवान को भोग लगाए बगैर ही। अदरवाइज़ कोई भी नई चीज़ आती है ना तो उसमें सबसे पहले हम अपने कृषि को ही भोग लगाते हैं। और अभी फ़िलहाल है ना रात का खाना बन गया था और जहाँ पे वीडियो एंड किया था वहीं से ही मैंने स्टार्ट कर लिया था। अभी बस है ना रात की क्लीनिंग कर रही हूँ किचन की, गैस स्टोव की, तो ये सारी चीज़ें ना मैं रात में एकदम अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। और चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, मैं हमेशा साफ़ करके ही सोती हूँ। और गर्मियों में तो बिल्कुल ज़रूर ज़रूर से करके सोइए, वरना तो है ना फिर छिपकली वगैरह आने का डर रहता है। तो इसलिए मैं बस है ना यहाँ पर ना पूरी गैस और स्लैब और ये सब कुछ है ना टाइल वगैरह सब अच्छे से है ना साफ कर रही हूँ। और ना इस स्प्रे के लिए ना जो ये मैजिकल सॉल्यूशन है इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने किस तरह से बनाया है, तो इसके अंदर मैंने ना जितना पानी लेते हैं ना उतना ही विनेगर मिलाया है और इसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू मिला दिया है। मतलब लिक्विड सोप मिलाना है लेकिन मेरे पास वो होता नहीं है, तो मैं शैम्पू मिला देती हूँ। और जो शैम्पू की स्मेल आती है ना, मतलब खुशबू आती है ना, इतनी अच्छी आती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो स्प्रे करने में भी मज़ा आता है, वरना तो विनेगर की है ना जो खुशबू होती है ना, मतलब वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन है ना शैम्पू डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना सुबह है ना पानी वाला आता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आगरा में ना पानी इतना कुछ साफ़ नहीं आता है, तो हम लोग है ना बॉटल ले लेते हैं क्योंकि हमारे आरओ नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ना रात के टाइम में ही मैं ये सारी बाल्टी वगैरह है ना साफ़ करके रखती हूँ, जिससे कि सुबह जब वो आए तो उसको वेट नहीं करना पड़े, उसी के सामने मतलब बाल्टी खाली करो फिर मांजो, तो सही नहीं पड़ता है ना, तो मैं पहले से ही तैयारी करके रखती हूँ। यहाँ पर ना स्लैब को खाली कर ले रही हूँ क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करे हैं, सिंक साफ़ कर लिया है। सिंक साफ़ करने के बाद ही मैं ये सारी बाल्टी और ये है ना भगोने वगैरह जो भी है साफ कर रही हूँ। वैसे तो पूरी स्लैब ही साफ़ कर लिया है लेकिन जो ये सिंक का एरिया है, सिंक भी मैंने साफ़ कर लिया है लेकिन थोड़ा सा है ना मतलब पानी पानी हो जाता है ना जब हम कुछ भी चीज़ धोते हैं करते हैं, तो यहाँ पर है ना बस इन बर्तनों को धो करके और यहाँ से भी ये एरिया जो है वो अच्छे से साफ़ करके और ड्राई करके तभी मैं सोती हूँ। यहाँ पर अभी हर्षित है ना कुछ सब्जियाँ लेकर के आया था, तो मैं देख रही थी कि क्या सब्जियाँ लेकर के आया है, लेकिन बस वो ककड़ी और खीरा ही लेकर के आया था। और वैसे और भी सब्जियाँ आई थी, बाद में आई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल यही आई थी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज है संडे और संडे में मैंने आज है ना अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, बस अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। रात को सब्जियाँ आई थी जिसके अंदर अरबी, लौकी, ये सारी सब्जियाँ थी, तो मैंने सोचा कि अरबी एक ऐसी सब्ज़ी जो सबसे पहले ख़राब हो जाएगी, तो मैंने अरबी बना ली थी। फिर आज मैंने एक्चुअली ना थोड़ा सा दलिया बना लिया था। कुछ दिन से मैंने आपको बताया ही था मेरे पेट में ना दर्द रह रहा है और जिसकी वजह से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा कि हल्का खाना खाओ तो ही अच्छा है, तो मैंने अपने लिए आज है ना फाइनली दलिया बना ही लिया। ये मुझसे कह रहे थे दलिया ऐसे हल्की चीज़ें खाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा, और पर वही है ना अपने अकेले के लिए बनाया नहीं जाता, लेकिन आज मैंने बना ही लिया क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे ऐसे दर्द में रहते हुए। और ये झींगर की चूचू है ना बंद ही नहीं होती है, दिन में तो कुछ आवाज़ नहीं करता है लेकिन जैसे शाम हो जाती है ना वैसे ही इसकी आवाज़ें चालू हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर ना मैं जो है दलिया खाऊँगी और मेरा तो यही डिनर है आज,
मैं तो इसको खा करके नक्की हो जाती हूँ, क्योंकि ना खाते के साथ में सो तो वो भी अच्छा नहीं रहता है, और इन लोगों के चक्कर में ना मुझे भी देर हो जाती है। और अभी है ना अपनी हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर बस है ना दलिया खा ले रही हूँ अपना, और फिर खाने वाने की तैयारी है ना मैं बाद में करूँगी। मुझे ना इस टाइप का दलिया बहुत अच्छा लगता है, इसके अंदर ना मूंग की दाल है और दलिया है। पहले दलिया को भून करके उसके अंदर दाल मिला करके नमक हल्दी मिर्ची डाल दी है, फिर उसके बाद में हींग जीरे का तड़का लगा दिया और ऊपर से घी डाल करके, और फिर खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, मज़ा आता है। और अभी फ़िलहाल मैं ये जो मग और ये लिए ना बाउल वगैरह, इनको मैं ना सेट कर रही हूँ कि कहाँ पर रखूँ। तो बाउल्स तो मैं ना डेली यूज़ में काम में लेने वाली हूँ, लेकिन कप ना मैं इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं लेती हूँ, इसलिए मैं इनको ना इनकी जगह बना दे रही हूँ। जगह पर रख जाते हैं ना तो फिर सही रहता है, ऐसे पड़े रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और ये कप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो सारे कप को धो करके और सुखा, धो तो मैंने दोपहर में ही लिए थे, और उनको सुखा करके और उनको ना लगा दिया जगह पर। जगह पर रखे नहीं जाते ना तब तक मेरे दिल को है ना सुकून नहीं मिलता है, तो मैंने लगा दिया है उनको जगह पर। सो खाने वाने की तैयारी कर ली है, और अभी जब हस्बैंड जाएंगे तभी रोटियां सेकूंगी गर्मा गर्म। हर्षित को मैंने खाना खिला दिया है, तब तक मैं सुबह के लिए तैयारियां कर ले रही हूँ। तो सुबह मैं ना कटहल बनाऊंगी, नहीं तो ये भी है ना पक जाएगा और लाल सा हो जाता है, और कच्चा कटहल की सब्ज़ी बनाओ ना तो ज़्यादा टेस्टी बनती है, और बाकी है ना जैसे पक जाता है ना तो फिर उसकी अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पर ना इसका कट करने का यही तरीका है कि सबसे पहले अपने हाथों पर और इसके ऊपर ना तेल लगा लो, ताकि ये अपने आपके हाथों पर ना चिपके। तो यहाँ पर बस मैंने ना इसी तरह से तेल लगा करके और इसको कट कर लिया था। तो यहाँ पर बस है ना उसको फ्रीज में रख करके आ गई हूँ, और बाकी बनाऊँगी तो मैं सुबह के टाइम में। यहाँ पे दूध भी आ गया था तो मैं यहाँ पर ना बस अभी दूध गर्म कर ले रही हूँ रात का। तो कुछ इसी तरह से रहता है मेरा रात का रूटीन, मैं ना शाम से ही लग जाती हूँ काम पर, मतलब आरती करती हूँ, फिर उसके बाद में कथा वथा पढ़ करके और काम पर लग जाती हूँ ना, जिससे कि ना सुबह इजी रहे, इसके लिए ना रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी करके रखना और ये सब कुछ। तो रात के टाइम में ना ये सारे काम निपटाती हूँ, तब जा कर के मेरी मॉर्निंग जो होती है वो अच्छी होती है, ईजी होती है। सो दोस्तों मेरा तो कुछ इसी तरह से रहता है रात का रूटीन, मैं रात के टाइम में ही थोड़ा बहुत है ना सुबह के लिए करके रखती हूँ, ताकि मेरी सुबह जो है वो इजी रहे और जल्दी जल्दी से सारे काम निपट जाए, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सभी चीज़ सुबह के टाइम में होते हैं। शाम के टाइम में तो ये होता है कि सिर्फ खाना बनाना होता है, लेकिन और दूध गर्म करना होता है बाकी, तो फिर इसलिए मैं ना सुबह के थोड़ा सा काम है ना शाम के टाइम में कर लेती हूँ, जैसे कि आयरन वगैरह जो होती है वो कर लेती हूँ जैसे करनी होती है। तो अदरवाइज तो आप देखते क्योंकि सुबह के टाइम में जब वो नहाने जाते हैं ना उसी टाइम पे कर देती है एक शर्ट पे, तो यही रहता है। ज़्यादा कपड़े होते हैं तो फिर मैं रात के टाइम में ही करती हूँ, तो जो भी एक्स्ट्रा काम रहते हैं मेरे वो मैं रात के टाइम में करती हूँ। और मैं जैसा कि लास्ट में वीडियो की लास्ट में ना कमेंट लेती हूँ, तो एक कमेंट था कि ना मुझे है ना आपसे मिलने का मन करता है, तो वैसे तो ये इस टाइप के ना कमेंट है ना काफ़ी सारे आते हैं, तो मैं इनसे बोल रही थी कि ना काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं मिलने की, तो क्या ऐसे मिलना सही है? तो ये बोल रहे थे कि ना ऐसे अजनबियों से मिलना ठीक तो नहीं रहता, आज के समय थोड़ा अजीब ही है, मतलब अच्छा नहीं है। तो ऐसा क्या कर, पहले ईमेल पे है ना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेना, फिर उसके बाद में ना एक दो बार बात कर लेना, जिससे कि ना थोड़ा सा है ना वो हो जाते हैं अपन एक दूसरे के प्रति अजनबी नहीं रहते हैं, तो है ना फिर मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, हर्ज नहीं है, तो इस तरह से तू कर सकती है। तो फिर ना मैंने बोला ठीक है, तो बस मैं यही बताना चाहती थी। और दूसरा एक और कमेंट था कि उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप थर्सडे वाले दिन है ना, थर्सडे वाले व्लॉग में आया था कि थर्सडे वाले दिन आप है ना कपड़े धो लेते हो क्या और झाड़ू पोछा लगाते हो क्या? तो जी बिल्कुल, मैं ना थर्सडे वाले दिन है ना कपड़े जो डेली के कपड़े जो मैंने पहने हुए होते हैं ना, तो वो कपड़े है ना हम लोग धोते ही होते हैं, लेकिन जैसे बड़े कपड़े होते हैं जैसे मुझे सोफे के कवर धोने हैं या बेडशीट धोनी है या फिर कर्टेंस वगैरह धोने हैं, तो इनको हम अवॉइड करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कपड़े धोकर धोते नहीं है, जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं वही धोते हैं। और साथ ही झाड़ू पोछे का मैंने ना जब से मैं इस घर में आई हूँ ना तब से मैं यही देखती हूँ कि ना मम्मी ना ऐसी करती थी कि ना मुझसे ऐसे बोलती थी कि ना तू सब जगह झाड़ू पोछा कर ले, बस एक कमरे को छोड़ देना। तो हमारे घर में ना सब जगह झाड़ू पोछा लगता है,
बस एक कोई एक कोई भी एक कमरा हम लोग है ना छोड़ देते हैं, मतलब कि वही जैसे कि है ना कपड़ों का है कि सारे कपड़े नहीं धोते हैं, मैन मैन कपड़े धो लेते हैं, ऐसे ही मैन मैन जो झाड़ू पोछा होता है वो लगा लेते हैं, बाकी का है ना हम नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से रहता है हम लोगों का थर्सडे वाले दिन। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए। मैं जानती हूँ कि वीडियोस जो होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, कुछ ज़्यादा तड़का डला हुआ नहीं होता है इन व्लॉग्स में, लेकिन जैसे भी है मेरी लाइफ ऐसी ही है तो क्या करें, ऐसी ही शेयर करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप है ना लाइक जरूर कर दिया कीजिए, है ना सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सपोर्ट और वो प्यार आप है ना जरूर है ना अपने कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे भेजा कीजिए, और अपने लाइक तो ज़रूर किया करके करके ही जाया कीजिए, एक बटन ही तो दबाना होता है। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इन जॉइंग, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।